हेलो दोस्तों, द घंटे चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ शांतनु। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ पांच खामियां बताने वाला हूँ जो हर स्मार्टफोन में होती है, और अगर ये खामियां स्मार्टफोन में ना हो तो हम इन स्मार्टफोन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी चाहे तो इन पाँच खामियों पर काम कर सकती है, और इस वजह से हम स्मार्टफोन को अपने तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि स्मार्टफोन कंपनियाँ जो भी हैं, जितनी भी हैं, वो सभी स्मार्टफोन नई नई लॉन्च करती रहती हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई फ़ोन लॉन्च होता ही होता है। तो आज मैं आपको पांच खामियों के बारे में बताने वाला हूँ, और ये पांच खामियाँ ज़रूर आपके स्मार्टफोन में भी हो सकती हैं, या फिर आपने इन पांच खामियों को अपने स्मार्टफोन में कभी ना कभी तो महसूस किया ही होगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको पांच स्मार्टफोन की मुख्य खामियाँ जो कि सभी को देखने को मिली, सभी को फेस करने को मिली, मुझे भी फेस करने को मिली है। तो ये खामियाँ ना हो तो कितना अच्छा है। तो पहली खामी बता रहा हूँ मैं, वो है स्मार्टफोन में विज्ञापन। अब दोस्तों, स्मार्टफोन में अगर विज्ञापन आते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और विज्ञापन आ जाता है, तो फिर हमें उस विज्ञापन को हटाना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। तो दोस्तों, पहली बात तो स्मार्टफोन कंपनियाँ जो है कम दाम में स्मार्टफोन बेचती हैं, लेकिन वो इन ऐड के माध्यम से ज़्यादा पैसा बनाती हैं। अब दोस्तों, विज्ञापन जो है वो मतलब बहुत परेशान भी करते हैं कई बार लोगों को, और अगर स्मार्टफोन में विज्ञापन हटाने का ऑप्शन अगर दिया जाए, कंपनी अगर देती है, तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि स्मार्टफोन अगर हमारा है, हमने इसे ख़रीदा है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई, तो हम इसे जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर विज्ञापन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है तो स्मार्टफोन में जितने भी विज्ञापन आते हैं वो बंद हो जाएंगे। दोस्तों, इससे कंपनी मोटी कमाई करती है, स्मार्टफोन कंपनियां बहुत ज़्यादा कमाई करती हैं, क्योंकि स्मार्टफोन में बजट में बेचती हैं। बहुत ही कम बजट में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाले जो स्मार्टफोन हैं वो आते हैं, और उसके बाद जो है उनमें एड्स वगैरह आती हैं। तो जब एड्स आती हैं तो दोस्तों बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार कुछ ऐसे काम्स होते हैं जो स्मार्टफोन में कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में ऐड आ जाता है, तो इससे प्रॉब्लम भी होती है। और कई बार तो दोस्तों इस तरह के एड्स सामने आ जाते हैं, जिसके साथ मतलब ऐसे एड्स सामने आ जाते हैं स्मार्टफोन में जो कि नहीं आने चाहिए। ऐसे कुछ एडल्ट एड्स भी होते हैं जो कि सामने आ जाते हैं, बाय मिस्टेक सामने आ जाते हैं स्मार्टफोन में। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। अगर किसी के सामने अगर ऐसा होता है तो हम बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है उसके साथ ऐसा हो चुका है, और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था कि स्मार्टफोन में इस तरह के एड्स आना, तो काफ़ी परेशान हो गया था। बहुत पुराना मोबाइल था उसका। फिलहाल तो अभी जो उसका नया स्मार्टफोन है उसमें कोई एड्स वगैरह नहीं आते, क्योंकि वो स्टॉक एंड्रॉयड वाला फ़ोन इस्तेमाल करता है अभी तो। और कंपनी जो है अपना यूआई डालती है, अपना जो सॉफ्टवेयर डालती है, और तो उसमें तो एड्स आएंगी आएंगी, लेकिन अगर कंपनी एड्स ऑफ करने का ऑप्शन नहीं बनाए तो स्मार्टफोन यूज़र्स जो है एड्स को नहीं देखेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर कंपनी क्या है, दो वर्जन में स्मार्टफोन तैयार करे, एक में एड्स लगाए वो सस्ता फ़ोन रखे, और दूसरे में बिना एड वाला जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा महंगा कर दे। तो होगा क्या कि जिसको सस्ता स्मार्टफोन खरीदना है वो सस्ता खरीदेगा, और ऊपर से जो है उसमें ऐड देखने को मिलेगी, तो उसको अगर ऐड देखना है तो सस्ता स्मार्टफोन खरीदे, और जो महंगा स्मार्टफोन रहेगा उसमें ऐड नहीं होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो महंगा फ़ोन खरीदना चाहता है वो ऐड्स नहीं देख पाएगा, और वो प्राइस भी अच्छी पे कर सकता है। तो स्मार्टफोन कंपनी को ऐसा करना चाहिए। अब दोस्तों, मैं दूसरी खामी बताने वाला हूँ, और वो दूसरी खामी ये है दोस्तों, फ़ोन में कैमरा। अब दोस्तों, फ़ोन में जो चार कैमरे होते हैं, मतलब बैक साइड पे जो चार कैमरे होते हैं, एक्चुअली वो चार कैमरे नहीं होते, वो होता है एक कैमरा, उसमें बाकी सेंसर्स होते हैं, डेप्थ सेंस होता है। तो फ़ोन में कैमरा एक ही होता है, लेकिन दे देते हैं चार, और सब लोग को लगता है कि चार कैमरे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैमरा एक ही होता है, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं जिसे मतलब कैमरा की शक्ल में दिखाया जाता है, लेकिन इसी पे ज़्यादा पैसा खर्च भी हो जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन कंपनियां जो हैं इस पर ज़्यादा पैसा लगाने के चार मतलब डेप्थ सेंस पे पैसा लगाने के बजाय अगर वो मेन कैमरा पे लगाए तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे स्मार्टफोन में दोस्तों बैक में सिर्फ एक ही कैमरा है और फ्लैश लाइट है, बाकी और कोई कैमरा है नहीं, सिर्फ एक ही कैमरा है। लेकिन अगर एक ही कैमरा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चार कैमरे एक्चुअली होते हैं नहीं, वो डेप्थ सेंसर होते हैं, लेकिन कंपनी जो है चार कैमरा बताती है कि ये चार कैमरा, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो सेंसर्स होते हैं और कैमरा सिर्फ एक ही होता है। तो कंपनी अगर एक कैमरा भी दे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कुछ आईफोन्स में और गूगल के कुछ फ़ोन्स हैं जिसमें सिर्फ आपको बैक में एक ही कैमरा मिलता है। अब एक ही कैमरा होना चाहिए क्योंकि काम तो उसी का है, बाकी डेप्थ सेंसर्स का कोई ज़्यादा बड़ा काम होता नहीं है, लेकिन वो दिखाते ऐसा है कि चार कैमरा लगे हुए हैं, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कंपनी को भी इसमें काम करना चाहिए,
और अभी कैमरा फोन्स तो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, कैमरे फोन्स भी ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन अगर आप तो चार कैमरा बता रहे हो, बल्कि जो चार कैमरा है ही नहीं, तो एक कैमरे पे ही काम करो। चार कैमरा देने से अच्छा एक कैमरा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी खामी है कि चार कैमरा होते हैं लेकिन चार कैमरा दोस्तों नहीं होते। वो ये होता है एक ही कैमरा, लेकिन वो दूसरे जो डेप्थ सेंसर वगैरह होते हैं उन्हें भी कैमरा की शक्ल में दिखाया जाता है, जो कि गलत है मेरे हिसाब से, तो गलत है। अब दोस्तों एक और खामी है, तीसरी बड़ी खामी, वो है बड़ी स्क्रीन। अब दोस्तों 7-7 इंच की स्क्रीन्स आने लगी हैं अभी स्मार्टफोन में। तो मतलब ठीक है, 7-7 इंच की स्क्रीन्स आती हैं स्मार्टफोन में, लेकिन दोस्तों अब इतनी बड़ी स्क्रीन को हम हैंडल कैसे करें? कई बार तो फ़ोन जो है दोनों हाथ में पकड़ कर चलाना पड़ जाता है, क्योंकि इतना बड़ा फ़ोन होता है। और कई बार तो हमारी ये जेब में आता भी नहीं, हमारी पॉकेट में ये फ़ोन तो आता ही नहीं है। अगर आ भी गया तो पूरे पॉकेट को कवर कर लेता है। अब दोस्तों अगर आप बैठे हो किसी कुर्सी पर और आपको स्मार्टफोन निकालना है अपने जो 7 इंच की स्क्रीन वाला है, तो आपको खड़े होकर ही निकालना पड़ेगा, बैठ के आप निकाल नहीं पाओगे। तो स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और ऊपर से गोरिल्ला ग्लास है, तो काफ़ी ज़्यादा मजबूती आ गई है। और गलती से हमने अगर बैठे बैठे ही अपना जो है पैर को ऊपर किया, तो हमारा स्मार्टफोन हमारे पैर को लग सकता है। ऊपर से ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा मजबूत आते हैं, और ऊपर 7-7 इंच की स्क्रीन, तो हो भी सकता है कि स्मार्टफोन में स्मार्टफोन डैमेज हो जाए, या फिर हमें स्मार्टफोन से चोट भी लग सकती है अपने पैर में, क्योंकि वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्मार्टफोन है। और पॉकेट में आना, मतलब उसको हम कैरी कैसे करें, क्योंकि भी पॉकेट में तो पूरा आ जाता है। और जो लोग जीन्स पहनते हैं उनके साथ तो बहुत ही बुरी हालत होती है, स्मार्टफोन मतलब बहुत बुरी हालत होती है उनकी, कैसे कैरी करते होंगे पता नहीं। पर इतनी बड़ी स्क्रीन का होना, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी खामी है कि इतनी बड़ी स्क्रीन आप ना रखें। अगर आप इतनी बड़ी स्क्रीन रख रहे हैं तो उसको कैरी करने में प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना, स्मार्टफोन को कैरी करने, क्योंकि जितने भी लोग हैं, अब मैं अगर लड़कियों की बात करूँ तो उनका तो अलग से पर्स होता है, तो उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लड़के जो होते हैं उनमें उनके पॉकेट में तो भी स्मार्टफोन मतलब कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंपनी अगर इतनी बड़ी स्क्रीन के स्मार्टफोन्स ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। 6 या 6.5 इंच स्क्रीन जो है वो ठीक है, वो कैरी करने लायक, पर 7 इंच की स्क्रीन बहुत ज़्यादा है। अब हो सकता है कि 8 इंच की स्क्रीन भी ला के स्मार्टफोन्स भी आ सकते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है। तो ये भी एक दोस्तों एक खामी है मेरे लिए, तो मेरे हिसाब से तो एक खामी है कि स्मार्टफोन को एक नॉर्मली स्क्रीन पर भी होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल बजट स्क्रीन होनी चाहिए, 6 या 6.5 इंचज, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों एक और खामी है, जो चौथी खामी है मैं बता रहा हूँ, वो है दूसरा ऐप स्टोर। मतलब प्ले स्टोर तो है ही, लेकिन दूसरा जो है वो भी ऐप स्टोर है, जिससे हम डाउनलोड कर सकते हैं ऐप्स वगैरह को। तो जब प्ले स्टोर ही है तो दूसरा ऐप स्टोर देने की क्या ज़रूरत है, लेकिन दूसरा ऐप स्टोर देती है कंपनियाँ। और जब हम डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से कुछ मतलब ऐप्स वगैरह, तो वो होता ही है कि कंपनी ये भी चाहती है कि आप उनके भी ऐप स्टोर से डाउनलोड करो ऐप्स को। पर प्ले स्टोर में हम जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं वो सेफ रहते हैं, लेकिन अदर ऐप स्टोर से करते हैं तो वो सेफ़ नहीं रहते, कोई गारंटी नहीं रहती कि वो सेफ़ है या नहीं है। और गूगल भी यही कहता है कि प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, ज़्यादा सेफ़ रहेगा। लेकिन ये कंपनी या दूसरा ऐप स्टोर भी हमारे स्मार्टफोन में इनबिल्ट डाल देती है, उन्हें हम हटा भी नहीं सकते। तो बेकार में ये एक नया प्ले स्टोर, नया एक ऐप स्टोर आप दे रहे हो। प्ले स्टोर तो वैसे ही गूगल हमें दे रहा है, लेकिन हम कंपनी जो है वो दे रही है। तो ये सबसे बड़ी एक और खामी है, कंपनी को अपना ऐप स्टोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो प्ले स्टोर है वही बेस्ट है, सबसे अच्छा प्ले स्टोर तो वही है, बाकी उन्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या है, वो तो करेगी, क्योंकि उसको अपने ऐप स्टोर को चलाना है अपने स्मार्टफोन्स में, तो वो तो करेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खामी है जो कि नहीं होनी चाहिए स्मार्टफोन में। अब दोस्तों पांचवा है अनचाहे ऐप्स। अब दोस्तों जो अनचाहे ऐप्स होते हैं ना, इनको हम डिलीट नहीं कर सकते, और अगर हम बाई चांस डिलीट कर भी देते हैं किसी भी तरीके से, तो हमारे स्मार्टफोन में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जो कि नहीं आनी चाहिए। तो हम इन ऐप्स को डिलीट भी नहीं कर सकते। तो कंपनी के जो ऐप्स हैं वो तो हम इनबिल्ट देती है, जिसे हम डिलीट कर ही नहीं सकते कभी भी। और अगर हम डिलीट कर भी देते हैं बाई चांस, किसी चीज़ से डिलीट कर दें, या फिर हम किसी एप्लीकेशन से स्मार्टफोन के कुछ ऐप्स डिलीट कर दें जो इनबिल्ट हैं, तो इससे स्मार्टफोन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए स्मार्टफोन के जो ऐप्स हैं, जो इनबिल्ट ऐप्स हैं, उसे हम डिलीट नहीं कर सकते, इससे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये अनचाहे ऐप्स हमें कंपनी देती क्यों है, हमें देना ही नहीं चाहिए ना। स्मार्टफोन में ये ऐप्स दो मत, जो ऐप्स देना है वो दो, लेकिन जो ऐप्स कोई मतलब ही नहीं वो क्यों दे रहे हो। अब गूगल की जितने भी ऐप्स हैं वो
आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो स्टॉक एंड्रॉयड वाले फ़ोन होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ गूगल के ऐप्स होते हैं, अदर ऐप्स नहीं होते, उसमें कंपनी का यूआई भी नहीं होता, तो ये सबसे अच्छी बात हो जाती है। तो स्टॉक एंड्रॉयड यूज़र जो हैं उन अगर स्टॉक एंड्रॉयड वाले स्मार्टफोन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको उसमें अदर ऐप्स नहीं मिलेंगे, कंपनी का कोई ऐप्स नहीं मिलेगा आप, क्योंकि अब जैसे कि एमआई के फ़ोन्स होते हैं, कुछ एंड्रॉयड वन वाले स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा हूँ जिनमें ऐप्स नहीं होते हैं, वो वाले जो कंपनी देती है उसमें सिर्फ गूगल के ऐप्स होते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात तो यही है। लेकिन कंपनी जो है अपने अदर ऐप्स डाल देती है जिन्हें हम डिलीट भी नहीं कर सकते, जिनका हम इस्तेमाल ही नहीं करना है, लेकिन वो ऐप्स हमारे स्मार्टफोन में रहेंगे ही, और अगर उन्हें हम डिलीट करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे स्मार्टफोन में। तो ये दोस्तों ये भी एक सबसे बड़ी खामी है कि हमारे पास अनचाहे ऐप्स होते हैं जिन्हें मैं डिलीट नहीं कर सकता, ना ही आप कर सकते हो। मेरे पास भी स्मार्टफोन है जिसमें अनचाहे ऐप्स हैं जिन्हें मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी वाले ऐप्स हैं वो, मतलब मैं उन्हें यूज़ नहीं करता हूँ मैं, लेकिन वो डिलीट नहीं कर सकता, मतलब मेरे स्मार्टफोन में अगर मैं डिलीट करता भी हूँ तो दिक्कत हो सकती है मेरे स्मार्टफोन में। तो मैं अपने स्मार्टफोन को लेकर कभी भी इस तरह की कोई भी इस तरह का एक्शन मैं नहीं लेता कि उन ऐप्स को मैं डिलीट करूँ, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो स्मार्टफोन में डिलीट मतलब कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों ये की सबसे बड़ी खामी है जो स्मार्टफोन में नहीं होनी चाहिए, अनचाहे ऐप्स तो होने ही नहीं चाहिए ताकि हमारे फ़ोन में स्पेस ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अनचाहे ऐप्स दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी खामी है। तो दोस्तों ये जो खामियां मैंने अभी बताई स्मार्टफोन में होती हैं, और अगर ये खामियां सब हट जाए स्मार्टफोन से तो कितना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्मार्टफोन में ये सारी खामियां मुझे देखने को मिली, और शायद ये आपको भी देखने को मिली होंगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये खामियाँ आपको अपने स्मार्टफोन में देखने को मिली है या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, कोई भी कमेंट करना चाहते हैं आप तो कमेंट भी कर सकते हैं, और द एक्शन रूप चैनल पसंद आता है आपको तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।